हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 ट्राइब्स पाई जाती हैं। और वो 5 ट्राइब कौन कौन सी हैं? वो है गद्दी, गुज्जर, पंगवाल, लो एंड किन्नर। ये जो 5 ट्राइब्स हैं ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो ट्राइब्स हैं गद्दी, गुज्जर, पंगवाल, लाहौली, किन्नर, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं गद्दी, गुज्जर और पंगवाल, ये जो 3 ट्राइब्स हैं, ये जो 3 जनजातियां, ये पाई जाती हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाहौली, तो नाम से ही क्लियर है कि ये लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं, लाहौल स्पीति। और लास्ट अगर मैं बात करूं किन्नर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किन्नौर की ट्राइब है। तो किन्नर जो ये ट्राइब है, ये पाई जाती है जनजाति किन्नौर में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में बात करते हैं गद्दी समुदाय के बारे में। हम सारी ट्राइब्स को डिटेल में करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गद्दी की, तो गद्दी ट्राइब जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कहां पे पाई जाती है? तो चंबा के भरमौर में पाई जाती है। इसके अलावा और कहां पे पाई जाती है गद्दी ट्राइब? तो भरमौर के अलावा ये पाई जाती है कांगड़ा के प्लेन एरियाज में। ऐसे एरियाज जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे गद्दी पाए जाते हैं। भरमौर में तो पाए जाते हैं, लेकिन कांगड़ा के सिर्फ उन एरियाज में जहां पे बर्फ गिरती है, नूरपुर के आसपास के। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं अगर बात करूं, फ्रेंड्स ये जो गद्दी होते हैं ना, इनका ये जो है एक प्रमुख जनजाति, ये भी आपको याद रखना। हिमाचल प्रदेश की जो है ये प्रमुख जनजाति है, ये सबसे ज्यादा मेन ट्राइब जो है ये हिमाचल प्रदेश की है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रमुख जनजाति, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इतने सारे ऑप्शंस देके 4-5 कि हिमाचल की प्रमुख जनजाति कौन सी है, वो है गद्दी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये कौन से धर्म को मानते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये मानते हैं हिंदू धर्म को मानते हैं ये जो गद्दी लोग होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लास्ट में कि ये जो है किसकी पूजा करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये शिव की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं गद्दी लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गद्दियों में जो वो नवाला भी दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि नवाला किस जनजाति के द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है गद्दी समुदाय के द्वारा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गुज्जर जनजाति के बारे में। फ्रेंड्स, गुज्जर के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी कि ये जो गुज्जर है कहां पे पाए जाते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चंबा में पाए जाते हैं। ये जो फ्रेंड्स, इनके बारे में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि ये घुमंतू जनजाति है, ये घुमक्कड़ है। ये जो जनजाति है वो घुमंतू जनजाति है, घूमते ही रहते हैं ये ऐसे। और ये जो है गर्मियों में हिमाचल आते हैं और सर्दियों में ये वापस पंजाब चले जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके धर्म की, तो ये कौन से धर्म को मानने वाले होते हैं गुज्जर? तो आपको याद रखना है, एक तो ये मुस्लिम होते हैं कुछ गुज्जर जो, और वो हिंदू भी होते हैं। तो ये दोनों धर्म को मानने वाले होते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। और इसमें आपको याद रखना कि ये जो मुस्लिम्स होते हैं ना, ये घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, ये सिर्फ घूमते ही रहते हैं। और इनके अगर मैं बात करूं वेशभूषा की, ये जो कपड़ा पहनते हैं वेशभूषा, तो वो कश्मीरी वेशभूषा पहनते हैं। ये आपको याद रखना है मुस्लिम गुज्जरों के बारे में, तो इनकी वेशभूषा जो वो कश्मीरी रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या कितनी है गुज्जरों की, तो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 30,000 से ज्यादा है, 30,000 प्लस पॉपुलेशन इनकी है। तो गुज्जर के बारे में, गुज्जर जनजाति के बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं पंगवाल के बारे में। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें पंगवाल जनजाति के बारे में, तो नाम से क्लियर है कि ये चंबा के कौन से इलाके में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पांगी में, नाम से क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इनका मुख्य पेशा क्या रहता है, इनका अगर मैं पेशा कहूं, तो इनका जो पेशा है वो है कृषक, ये खेती बाड़ी करते हैं, प्लस भेड़ बकरी पालना, ये आपको याद रखना है इनके बारे में, पंगवालों के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं धर्म की, तो ये हिंदू भी होते हैं और ये बौद्ध भी होते हैं। और एक चीज आपको यहां से याद रखनी है, वो है जड़। एचएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जड़ क्या है। जो पांगी के बौद्ध है ना, पांगी के जो बौद्ध लोग, पांगी में रहने वाले, उनको जो है जड़ कहा जाता है।
तो आपको ये चीज याद रखनी है, कभी भी पूछ लिया जा सकता है। अगर ये जड़ पूछ लिया जाए तो पांगी में रहने वाले बौद्ध लोगों को जो है वो जड़ कहते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो फ्रेंड्स एक चीज आपको याद रखनी है यहां से कि पांगी में एक प्रथा है जहां पे जो है एक ही बैल के साथ जो है हल जोतते हैं, वो खेत में जाते हैं, सिर्फ एक ही बैल को यूज करते हैं। तो आपको ये चीज भी यहां से याद रखनी है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पांगी की शादियों के बारे में, विवाह, कौन से टाइप के विवाह जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है पांगी में। तो विवाह के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जंगी शादी, टोपी लानी शादी और विधवा पुनर्विवाह, ये तीन शादियां जो आपको याद रखनी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर की, या फेमस कह सकते हो पांगी में, ये जंगी शादी, टोपी लाना और विधवा पुनर्विवाह। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लाहौली जनजाति के बारे में। सो फ्रेंड्स नाम से क्लियर है कि लाहौली ट्राइब, ये जो पाई जाती है लाहौल स्पीति में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं इनके पेशे की, ऑक्यूपेशन क्या है इनका, तो ये कृषक करते हैं, खेती बाड़ी ही जो है इनका प्रोफेशन रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन से धर्म को मानते हैं ये लोग, तो ये हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं लाहौल स्पीति के लोग, यहाँ के जो लोग होते हैं वो बौद्ध रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सो आपको ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो ये कैसे वस्त्र, इनके पहनावे की अगर मैं बात करूं तो इनका पहनावा कैसा है, तो ये लोग जो ऊनी वस्त्र, ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं, ये आपको याद रखना, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज, इनमें जो है लाहौलीज में बहुपति प्रथा, रिमेंबर बहुपति प्रथा, ये काफी इनमें विद्यमान है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है लाहौल के एरिया में। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो विवाह की अगर मैं बात करूं तो इसमें व्यवस्थित और जबरन विवाह, ये दोनों ही काफी ज्यादा प्रचलित है लाहौलीज में। फ्रेंड्स अब हम लास्ट में बात करते हैं किन्नर के बारे में। फ्रेंड्स नाम से क्लियर है कि किन्नर जो ट्राइब है वो पाई जाती है किन्नौर में। अगर बात करें इनके भी पेशे की, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन रहता है वो भी बाकियों की तरह सिर्फ एक ही है, वो है कृषक, खेती बाड़ी पे ये लोग जो है निर्भर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किन्नरों में भी जो है वो बहुपति प्रथा, रिमेंबर ये चीज आपको याद रखनी, सिर्फ दो ही ट्राइब्स है जिनमें बहुपति प्रथा जो है वो विद्यमान है, एक तो लाहौली और दूसरी किन्नर है। ये जो बहुपति प्रथा है ये विद्यमान है किन्नरों में, किन्नर जनजाति में। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं लास्ट में अगर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं इनके बारे में, तो ये अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब से ये पैदा होते हैं तब से मरने तक, ये अपने संस्कारों को पूरा करने के लिए लामा की सहायता लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ये हायर एग्जाम्स में भी पूछ ली जा सकती है और आप मेंस के एग्जाम में भी ये लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो जिन ट्राइब्स के बारे में जब पूछा जाए। तो इस पॉइंट पे आप स्टार मार्क कर लो कि जन्म से मृत्यु तक अपने संस्कारों को पूरा करने के लिए लामा की सहायता लेते हैं। लास्ट में अब हम इनके इंपॉर्टेंट है विवाहों के बारे में, इनकी शादियों के बारे में पता करते हैं कि कैसी इनकी टाइप की शादियां होती है और के नाम क्या और वो कौन से टाइप के साथ बिलोंग करती है, हायर एग्जाम्स में मोस्टली पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनेल टंग विवाह, मैं विवाह नहीं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और ये कौन से टाइप की मैरिज है ये अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज द्रोश, तीसरा हार और लास्ट वन जो है वो दमचल शीश। ये चार टाइप की शादियां जो होती हैं वो किन्नर में होती हैं, जो किन्नर जनजाति है इनमें होती है। अब पूछ लिया जाता है कि ये जनेल टंग है कौन सा टाइप की मैरिज है, ये टाइप पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो ये जो जनेल टंग आपको याद रखना है कि ये व्यवस्थित विवाह है, अरेंज्ड मैरिज, व्यवस्थित विवाह है ये। द्रोश की अगर मैं बात करूं तो ये जबरन विवाह है, जो जबरदस्ती करवाया जाता है। हार की अगर मैं बात करूं तो ये इसका है कि दूसरे की बीवी को जो भगा करके शादी की जाती है उसे कहते हैं हार विवाह, दूसरे की पत्नी को भगा करके शादी करना। और लास्ट वन है धमचल शीश, इसका मतलब है प्रेम विवाह, लव मैरिज। फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे रखना है, ये चार शादियां टाइप भी अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स आपको जन से याद रखना है, जन से जान, और टंग मीन्स टांगना, अरेंज मैरिज के लिए जो काफी ज्यादा फोर्स किया जाता है, आपकी जान को टांग दिया जाता है, तो ये व्यवस्थित विवाह को याद करने के लिए आपको काफी है। अगर कोई दोष हो किसी की तरह, कोई गलती हो, तो वो दोष मान लिया जाता है, तो उसकी जो फिर जबरदस्ती शादी
करवा दी जाती है। तो जबरन विवाह आपको यहाँ से याद रखना है, हार, तो हार से आपको सिर्फ इतना ही है कि दूसरे की बीवी को भगा करके जो शादी की जाती है उसे हार विवाह किया जाता है। और लास्ट है कि प्रेम विवाह, अगर आपको भाग के शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, तो उसके लिए आप में दम होना चाहिए, तभी वो आप शादी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।